राजस्थान से बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ है, तो बजट के अंदर बीजेपी ने राजस्थान से बदला लिया है। ये बात कर रहे हैं राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक चुनाव के अंदर बीजेपी को राजस्थान से करारी हार मिली है और इसी हार का बदला जो है बजट के अंदर राजस्थान से लिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये बजट जो है, इस बजट के अंदर सिर्फ सरकार बचाने के लिए जो है ये बजट दिया गया है, ऐसा कुछ खास नहीं है और राजस्थान को पूरी तरह से इस बजट से गायब रखा गया है। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जो रोजगार की ये बात करते हैं, ना इस बजट के अंदर रोजगार में कुछ अच्छा जो है युवाओं को मौका मिलेगा, ना फिर महिलाओं को मिलेगा, ना इसके अंदर विकास की किसी तरीके से कोई बात की गई है। और अगर रोजगार की बात है तो रोजगार के अंदर 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगारों का वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया था, अब 11वीं साल है, ऐसे में 11वीं साल के अंदर 22 करोड़ रोजगार होते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 22 करोड़ रोजगारों का हिसाब कहाँ है, 5000 जो इंटर्नशिप बेस पर 5000 करोड़ बच्चों को देने की, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए आडंबर रचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बजट जो है वो राजस्थान के लिए तो पूरी तरीके से कहीं भी संतोषजनक नहीं देखा जा रहा है। वहीं बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि क्या सचमुच 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से नुकसान हुआ है, तो ऐसे में कहीं बीजेपी ने सचमुच वो बदला तो नहीं निकाला। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कहते हैं, एक बार सुनिए। और राजस्थान के लिए पूरी तरीके से राजस्थान तो गायब है। ये जो बजट है देश का, जो मोदी सरकार लेकर के आई है, वो केवल अपनी सरकार को बचाने का प्रयास मात्र है। आप देख सकते हैं कि बिहार और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सॉरी, उसके ऊपर इनका टिका हुआ बजट है, उनको अलग से पैकेज दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान को न ERCP का पैसा मिलेगा, न किसानों के लिए MSP मिलेगी, न युवाओं को कोई रोजगार का रोडमैप होगा। बजट में कहा गया है कि 5 साल में 4.1 करोड़ लोगों को हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, तो ये तो वही बात है, वही जुमला है जो पहले इन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरियां और रोजगार देने की बात की थी। आज 11वां साल है, कायदे से 22 करोड़ को हो जाना चाहिए था, और ये अब आगे के 2047 के सपने दिखा रहे हैं। इसलिए इस बजट से राजस्थान को पूरी तरीके से निराशा हुई है। कोई किसी योजना के अंदर यहाँ पर राजस्थान में पैसा नहीं दिया गया है, इसलिए सारे के सारे जो वर्ग हैं, वो तमाम वर्ग, जो चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, गरीब हो, पीड़ित हो, पिछड़ा हो, उस सब के सब निराशा देख रहे हैं इस बजट से।